ये मेरा साईं सरबती का नींबू का पौधा है जो मैंने CCRI से लाकर पिछले वर्ष लगाया था, जिसका प्लांटेशन मैंने सितंबर के अंत में किया था, और वो पौधे लगाए थे जो पौधे मेरे की पास इस बस। समय कितनी अच्छी बढ़वा रहा है। मुझे बहुत किसान भाई अक्सर लिखते रहते हैं, मेरे पत्तों में ये हो गया, मेरे पत्ते ऐसे हो गए, मेरे पत्तों में ये हो गया, आप दवाई बताइए। हर बार दवाई ही समाधान नहीं है, उसके पास साफ सफाई और देख रेख, और समुचित देख रेख भी दवाई से बेहतर काम करती है। आप मेरे पौधों में देखिए कि जब बरसात आई तो इसमें काफ़ी पत्ते थोड़ा सा मुड़ गए थे, जैसे ये पत्तों को देखिए हल्के पीले हैं, और इसमें थोड़ा सा ये कैंकर भी है कहीं पर, और ये इसमें हल्का सा थ्रिप्स भी है। लेकिन उस समय मैंने इनमें कोई भी उपचार नहीं किया था, बस एक बार मैंने इन पर COC और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का स्प्रे किया था और जड़ में ड्रिंचिंग की थी। बाकी जो भी कुछ करता हूँ आप लोगों को समय समय पर बताता हूँ। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो समय के साथ ही ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए आपको थोड़ा धैर्य भी रखना चाहिए। जैसे थ्रिप्स आते आते अपने आप ही ख़त्म हो गया। दूसरी बात ये हुई कि मैंने ये बताया था कि नींबू के पौधों में पहले 2 वर्ष में बहुत ही देखभाल की आवश्यकता होती है, और पहला वर्ष बहुत अच्छी बढ़वार नहीं दे सकता अगर आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हैं या आपका अनुभव नहीं है। उसके लिए आपको जो कुछ बातें ध्यान में रखनी हैं वो क्या बातें हैं, और अब अगर आपका पौधा 1 से 1.25 साल का हो गया तो आपको क्या कार्य करने हैं, वो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। किसान साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी, बने रहिए मेरे अब साथ। आप इस पौधे को थोड़ा ध्यान से देखिए, नीचे की तरफ देखिए कि इस पौधे में मैंने किस प्रकार, यहाँ तक मैं कभी पानी नहीं लगने देता। वैसे तो मेरे पास ड्रिप है, ये देखे ड्रिप है, और इस ड्रिप में मैं 1 फीट इधर 1 फीट उधर इसका ड्रिपर रखता हूँ। जो पानी पड़ता है वो यहाँ पर आता है और दूर आता है, ड्रिप के माध्यम से पानी देता हूँ। और लगभग ये देखिए 8 से 10 इंच तक इसके पास पानी नहीं जाने देता, यहाँ नमी आएगी। और ये इसकी जहाँ तक कैनोपी है वहाँ तक मैं साफ़ सफाई रखता हूँ और इसमें इसकी देखभाल करता हूँ, पानी इस एरिया में रहेगा। अब आप 1 साल आता आता देखिए, ये मेरी मुट्ठी है, ये बंद हो गया, कितना अच्छा मजबूत पौधा है। अब मैं धीरे 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 इसको ऊपर ले जाऊंगा। ये लगभग 1 फीट से मैं इसको, आप अगर यहाँ तक देखेंगे अंदर की तरफ, तो ये लगभग 1.5 फुट का पौधा हो चुका। तना मजबूत है, हवा से गिरेगा नहीं, सहारा दे दिया। और धीरे धीरे ये देखिए, ये यहाँ से जो मैं इसको कट करता चला गया, जो नीचे वाली शाखाएँ थी, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। अगर आपको कहीं पर आपकी ऊसर ज़मीन भी है, जैसे कि राजस्थान और गुजरात के एरिया में है या हरियाणा के कुछ भागों में है, तो मैंने अक्सर एक गलती देखी है कि किसान भाई वहाँ पर खड्डा बना देते हैं। अगर आपको खड्डा बनाना है तो फिर भी तने से कम 1 फीट चारों तरफ ऐसा बनाएं कि तने के पास पानी न लग सके। बहुत किसान भाई मुझे बुलाते हैं और मैंने ये देखा है कि उनकी ड्रिप चल रही है और वहाँ पर एक ऐसा खड्डा सा बनाया हुआ है कि उसमें पानी भरा हुआ है। अगर आप ड्रिप से दे रहे हैं तो पानी ज़मीन पर दिखाई नहीं देना चाहिए। आपको ड्रिपर की जो प्रति घंटा उसकी पानी की क्षमता है वो इतनी रखनी चाहिए जैसे ही बूंद पड़े ज़मीन में चला जाए। अगर आप 2 घंटा पानी चलाते हैं और आपको आधे थाले में नमी नज़र आती है तो आप देखेंगे कि सुबह तक पूरी नमी आ जाएगी। आप ये मत सोचिए कि आपने पानी भर दिया, आप ड्रिपर रोज़ चलाइए, लेकिन उसका पानी ऊपर नहीं दिखाई देना चाहिए और पानी तने के पास तो बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। ये एक बहुत ही मुख्य बात है जो कि ज़्यादातर किसान गलती करते हैं। आइए अब देखिए, इस ये मेरे पास लगभग
40-42 पेड़ हैं, 7-7 पेड़ मैंने सभी वैरायटी के, 1-2 वैरायटी के 8 हैं, 5 वैरायटी लगाई हुई है, फूले सरबती, साई सरबती, बालाजी, NRCC 7 और 8। अब मैंने क्या किया इन पौधों में, जैसे ही बरसात का ख़त्म हुआ तो मैंने इनमें क्लोरोपायरोफास और बवस्टीन की ड्रिंचिंग दी थी और एक रिडोमिल गोल्ड का स्प्रे किया था और उसकी ड्रिंचिंग की थी। उसके बाद अब मैंने क्या किया है इनमें कि अभी लगभग 15 दिन पहले मैंने इस कैनोपी में, आप देखिए यहाँ पर मैंने गड्ढा बनवाया इसमें इतने एरिए में, ऐसे यहाँ से मैंने मिट्टी हटवाई और इसमें मैंने खाद दिलाया और खाद देकर फिर मैंने इसको ढक दिया और ड्रिपर से पानी चला। ये खाद की क्या मात्रा होगी ये मैं आपको बताता हूँ। ये एक वर्ष के पौधे के लिए है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो 2 किलो वर्मी कंपोस्ट लीजिए और आप उसमें 100 ग्राम DAP लीजिए, डाई अमोनियम फॉस्फेट लीजिए, 75 ग्राम आप यूरिया लीजिए, 75 ग्राम आप उसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट मिलाइए और 75 ग्राम पोटास मिलाइए। उसके साथ आपको 10 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट लेना है और 10 ग्राम जिंक सल्फेट लेना है। इन सब को लेकर इस खाद में मिला दीजिए और फिर जो मैंने इसमें बताया है, इसके चारों तरफ जो तने के चारों तरफ एक थाला बनाएंगे, उस थाले में डालकर मिट्टी से अच्छी तरह ढक दीजिए और ढकने के तुरंत बाद आप इसमें पानी लगाइए। किसान साथियों, इनमें 15 दिन का समय हो चुका और मैंने देखा था कि आप ये देखिए कि धीरे धीरे इनमें कितनी पत्तियाँ, नई हरी पत्तियाँ आ गई हैं, ये देखिए हरी पत्ती आ गई। जैसे ही पौधे में हरी पत्तियों का सृजन शुरू होगा तो अगर आपके आसपास, जो मैंने सबसे बड़ी गलती देखी है कि खेतों में पौधों के आसपास जो कांग्रेस घास है वो तक मिली है या कुछ फसल बोई हुई है, तो कीट आना शुरू होने के, पानी देने के लगभग 10 दिन बाद, कल मैंने इन पर एक स्प्रे कराया था सेफ्टी के लिए, वो स्प्रे था 19-19-19 NPK 5 ग्राम प्रति लीटर, चिलेटेड जिंक 2 ग्राम प्रति लीटर, बोरोन 1 ग्राम प्रति लीटर, और सेफ्टी के लिए कहीं कोई, जैसे नर्सरी में कुछ पौधों पर मुझे एक सुंडी दिखाई दी जो नींबू की तितली होती है उस तरह की दिखाई दी, तो मैंने इसमें लेंसर गोल्ड भी मिलवा दी थी और इन सब को मिलाकर मैंने एक स्प्रे, ये मैं आपको कुछ पौधे और दिखाता हूँ कि मेरे पौधे कैसे हो रहे हैं। इस लाइन को मैं पूरी दिखाता हूँ आपको कि ये देखिए, सभी में देखिए 5-10% का डिफरेंस मिलेगा सभी पौधों में, लेकिन अधिकतर पौधे स्वस्थ हैं और सभी चल रहे हैं। इनमें साफ सफाई करा दी, स्प्रे हो गया और सभी में आप देखिए, ये देखिए पूरी लाइन मैंने आपको दिखाई है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ पौधे बहुत अच्छे चलते हैं और कुछ थोड़े से हल्के रह जाते हैं, जिस प्रकार ये पौधा देखिए कितना अच्छा है। इसकी हाइट जो है आप देखिए, ये एक साल लगभग अक्टूबर, 1 साल 1 महीने का पौधा है, कितनी। तो किसान साथियों, ये थी मेरी प्रस्तुति 1 से 1.25 साल के पौधों में आपको क्या काम करना चाहिए। इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।